नमस्कार, स्वागत है आपका कशिश न्यूज़ के खास कार्यक्रम में। एबीवीपी का प्रांतीय सम्मेलन डाल्टनगंज में चल रहा है शिवाजी मैदान में, और हमारे साथ एबीवीपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री श्रीनिवास जी हैं। इनसे भी जानते हैं कि आखिर इन सब तरह की जो बैठकें होती हैं उसका उद्देश्य क्या होता है। सर, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भारत का सबसे बड़ा छात्र संगठन है, जिसका प्रतिवर्ष राष्ट्रीय और प्रांतों में इस प्रकार के अधिवेशन और सम्मेलन होते हैं। हम देख रहे हैं कि यहाँ झारखंड प्रदेश का यह 20वां प्रांत अधिवेशन यहाँ डाल्टनगंज में इस मैदान पर हो रहा है। इस अधिवेशन में हम प्रदेश की शिक्षा विषयों को लेकर, प्रदेश के बाकी जो समस्या रहती है उसको लेकर के प्रस्ताव भी पारित करते हैं, और जो राष्ट्रीय मुद्दे, तात्कालिक मुद्दे, उन पर भी एक व्यापक बहस करते हैं। संगठन का विस्तार कैसे हो, संगठन किस प्रकार से आने वाले समय में काम करेगा, कैसे अपना विस्तार करेगा, और हमारा जो कार्यकर्ता है उसको एक दिशा कैसे मिले, ये सब करने के लिए ये साल का 3 दिन का हमारा एक सम्मेलन अधिवेशन होता है, और जिसमें सभी विद्यार्थी अपने अपने जिलों से आकर के यहाँ 3 दिन के लिए अपना शुल्क दे करके रहते हैं। इसलिए इन सम्मेलनों में संगठन की दिशा, समाज के मुद्दों को समझना और देश में क्या चल रहा है उसकी एक समझ विकसित करने के लिए इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद प्रतिवर्ष करती है। एक जो पलामू की छवि बनाई जाती है दूसरे जगहों पे, इस वक्त आप पलामू में हैं, जो छवि पलामू की पहले थी नक्सलवाद से ग्रसित है, गुंडा राज है, अलग तरह की छवि, नकारात्मक छवि कह सकते थे, उस तरह की चीज़ें आप पलामू में हैं देखने को मिल रही है या फिर बदल गया है तस्वीर? देखिए, इस देश में केवल पलामू नहीं तो बहुत सारी बातों को नकारात्मक विषयों में कहने का प्रयास इस देश में, चाहे वो जंगलों का नक्सल हो, चाहे विश्वविद्यालयों में रहने वाला अर्बन नक्सल हो, उन लोगों ने एक प्रयास किया है। वास्तव में ये देश का दुर्भाग्य है कि जो माओवादी, मैं उनको कहना ज़्यादा पसंद करता हूँ, नक्सली नहीं कहना चाहता हूँ, क्योंकि जो नक्सल मूवमेंट नक्सलबाड़ी से शुरू हुआ था उसका उद्देश्य तो समाप्त हो गया, और वास्तव में वो पूरा मूवमेंट ही कहीं ना कहीं चला गया। जो कानू सन्याल और राजू मजुमदार ने 1960 के दशक में नक्सलबाड़ी से शुरू किया था, ये वास्तव में अभी जो मूवमेंट है ये माओवादी है, जो रसिया और चाइना की प्रेरणा से यहाँ पर चलता है, जो हथियारबंद एक तरह से देश के संविधान के खिलाफ, देश के रोजगार के खिलाफ, देश की सामान्य व्यक्ति की शिक्षा और उसके संस्कृति और परंपरा के खिलाफ ये चलता है। इसलिए जो माओवादी गतिविधियाँ है ये भारत के संविधान विरोधी भी है, ये विकास विरोधी भी है और मानव विरोधी भी है। इसलिए केवल पलामू नहीं तो ऐसा बहुत बड़ा जनजाति क्षेत्र इस देश का है, जिसको एक प्रयास किया गया कि ये जो सबसे प्रकृति ने जो खनिज संपदाओं से परिपूर्ण ये क्षेत्र भारत को दिया था, अगर यहाँ पर ठीक से सभी बातें विकास के रास्ते से होंगी तो यहाँ का युवा केवल रोजगार के क्षेत्र में नहीं तो बहुत सारे विषयों में आगे बढ़ सकता है, और प्रकृति ने जो अकूत धन संपदा यहाँ पर खनिज के रूप में हमको दी है, अगर इसका ठीक से दोहन होगा तो ये देश और दुनिया के लिए बहुत बड़ी एक धरोहर बनेगी। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो देश को आगे नहीं बढ़ना देना चाहते, वो नक्सल के रूप में यानी माओवाद के रूप में या अलग अलग प्रकार से समाज में इस प्रकार का भाव उत्पन्न करते हैं, तो निश्चित तौर पर केवल पलामू नहीं, पूरे जनजाति क्षेत्र को और पूरे देश को ऐसे नकारात्मक बातों से अब आगे निकलने का समय आ गया है। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि देश का जो आज का नौजवान है वो इन सब बातों को समझ रहा है और वो देश की मुख्य धारा में शामिल होकर अपने विकास के साथ आगे बढ़ना चाहता है। उसके मन में भी एक भाव है कि जैसा आज देश में सभी प्रकार के डेवलपमेंट के विषय आ रहे हैं तो वो हमारे जनजाति क्षेत्र में भी आने चाहिए, यहाँ के खनिज संपदा पर यहीं के लोगों का अधिकार होना चाहिए और वो लोग आगे बढ़ सके शिक्षा में, रोजगार में और अच्छे अधिकारी के रूप में, और ये सब बातें वो अपने जीवन में कर सके और अपनी प्राचीन भाषा, संस्कृति, परंपराओं को भी संरक्षित वो रख सके। इस सब के लिए केवल पलामू नहीं तो देश के हर हिस्से को आगे आना चाहिए, और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का यही प्रयास है केवल पलामू नहीं, देश के हर हिस्से में ये सकारात्मक परिवर्तन युवाओं के बीच में आए, उसी को लेकर के 9 जुलाई 1949 से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक सकारात्मक छात्र शक्ति, क्योंकि ऐसी विचारधारा है जो युवाओं की ताकत को बंदूक के रास्ते पर हिंसा की ओर लेकर जाना चाहने वाली भी ताकतें हैं, लेकिन आज वो धीरे धीरे सिमट रही हैं। दूसरी ओर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है जो छात्रों के रचनात्मक शक्ति के साथ, उनको कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के साथ देश के लिए लगाना चाहती है, और इसलिए आज एबीवीपी सबसे मोस्ट रिलेवेंट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन सभी जगह पर बना है। तो हमारा यही प्रयास है कि इन सब बातों को देश समझे और एक सही दिशा में सब लोग एक साथ आगे बढ़े। विजन 2020 का ये साल है, जो अब्दुल कलाम जी ने एक सपना देखा था कि विजन 2020 का भारत कैसा होगा, उस भारत में समाज का हर क्षेत्र का व्यक्ति शामिल हो, इसी का प्रयास अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कर रही है। एक जो बड़ी बात आपने कही अर्बन नक्सल की, जेएनयू में क्या हो रहा है, जेएनयू पर क्या कहेंगे, क्या विचार रखते हैं आप? देखिए, जैसा देश जानता है ये कोई अभी छुपा हुआ विषय नहीं है,
इस देश में एक बौद्धिक आतंकवाद है जिसको हम वामपंथ कह सकते हैं, और आज़ादी के बाद से ही लगातार इस देश के अकेडमिया पर एक बहुत बड़ा कब्जा उन लोगों ने किया है। अगर मैं झारखंड, छत्तीसगढ़ या ऐसे बहुत सारे जहां पर माओवादी मूवमेंट चलता है उसकी बात करूं, तो उसको जो अब एक तरह से मानसिक तौर पर जो लोग संचालित करते हैं, ये अब देश को समझना पड़ेगा कि यहाँ के हमारे भोले भाले जनजाति लोगों के हाथों में बंदूक देने वाला माइंड कहाँ पर है। तो वो बहुत बड़ी मात्रा में JNU के कुछ ऐसे प्रोफेसर्स या देश के और ऐसे प्रमुख विश्वविद्यालय में जो इनके मेंटर लोग बैठे हैं वो यहाँ की सारी गतिविधियों को संचालित करते हैं, और एक प्रकार से ये शायद अभी समझने की आवश्यकता है कि यहाँ के खनिज संपदा जो है उस पर भी ऐसे कुछ लोगों का कब्जा हो गया है। तो यहाँ के भोले भाले लोगों को बहकाने का काम जो लोग कर रहे हैं वो JNU में भी बैठे हैं, और इसलिए आज JNU में फीस वृद्धि का आंदोलन के नाम पर 60 दिनों से जो अराजकता देश ने देखी है, वहाँ किस प्रकार से भारत तेरे टुकड़े हों के नारे लगते हैं, बस्तर मांगे आज़ादी के नारे लगते हैं, कश्मीर मांगे आज़ादी के नारे लगते हैं, और वही लोग एक ऐसा वातावरण दुनिया भर में करते हैं, मानवाधिकार के नाम पर करते हैं, महिलाओं के नाम पर करते हैं। तो मैं तो हमेशा मैं JNU में बहुत लंबे समय से काम कर रहा हूँ, इसलिए वहाँ भी कहता हूँ कि आज नक्सल के कैंप में भी महिलाओं की सिसकियाँ हम सुनते हैं, और JNU में भी जो आयशा नाम का संगठन है उसके 4-4 अध्यक्ष महिलाओं के शोषण में अभी सबके सामने, उसमें से एक जेल में अनमोल रतन नाम का उनका प्रेसिडेंट जेल में है, तो वहाँ पर भी हॉस्टल्स में ले जा करके कैसे लड़कियों के साथ वो बलात्कार की घटनाएं करते हैं, तो वहाँ भी इस प्रकार का एक वातावरण है, और पूरे एक एकेडमिक पर ऐसा कब्जा करने का प्रयास है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का सामान्य छात्र पढ़ना चाहता है लेकिन वहाँ कुछ फैकल्टी के लोग हैं जो वामपंथ की विचारधारा में विश्वास करते हैं, ऐसे ही कुछ छात्र है वो मिलकर JNU जैसे कैंपस को अराजकता की ओर लेकर जाना चाहते हैं, तो इसलिए JNU भी बदल रहा है और देश भी बदल रहा है। JNU में जो फीस बढ़ोतरी हुआ है उसको लेकर आपका जो छात्र संगठन है BBP, वो क्या पक्ष रखता है, वो उसके विरोध में है, वो उसके साथ में है? देखिए, निश्चित तौर पर JNU में जो आंदोलन 28 अक्टूबर को प्रारंभ हुआ जिसमें फीस वृद्धि का मुद्दा था, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने पहली ज्वाइंट एक्शन कमेटी जो सभी संगठनों को मिलकर बनी थी उसमें 7 काम किया, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही वहाँ जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी यानी लेफ्ट डोमिनेटेड जो ऑर्गेनाइजेशंस के लोग थे उन्होंने वहाँ एक महिला टीचर को 30 घंटे तक बंदी बनाकर रखा, जिस कमरे में एक टॉयलेट और बाथरूम भी नहीं हुआ 30 घंटे एक महिला टीचर को बंदी बनाकर रखा, वंदना मिश्रा उनका नाम है। इसी प्रकार से वहाँ के एक दलित समाज से आने वाले हॉस्टल वार्डन को, जो प्रेग्नेंट महिला है उसको बंधक बनाया गया, एक दूसरे वार्डन की बच्ची को अगवा करके उससे ज़बरदस्ती साइन लिए गए। तो ऐसा जब सारा आंदोलन चला तो विद्यार्थी परिषद ने उस आंदोलन से यानी उस ज्वाइंट एक्शन कमेटी से विड्रॉल किया, लेकिन फीस वृद्धि जो कि 1700 रुपये पर मंथ जो छात्र का बढ़ा था, निश्चित तौर पर ABP ने कहा कि ये बहुत गलत है, इसको वापस होना चाहिए, और हमने पूरा एक आंदोलन शुरू किया। 7 करोड़ रुपये हमने UGC से रिलीज किया और जो 1700 रुपये बढ़ा था उस फीस को हमने HRD से वापिस कराया है। अभी जो फीस वहाँ बची केवल 10 रुपये हॉस्टल महीने का किराया था वो 300 रुपये हुआ है, उस पर अभी लगभग 8000 में से 7000 से ज़्यादा छात्रों ने उस बढ़ी हुई फीस के साथ अपना रजिस्ट्रेशन कर दिया है, लेकिन अभी भी जो लेफ्ट ओरिएंटेड स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो आंदोलन के रास्ते पर है। आंदोलन हिंसक उन्होंने किया है और सर्वर रूम तोड़ने से लेकर नकाब पोशों के द्वारा पूरे कैंपस को बंधक बनाना, पूरी शिक्षा जगत को बंधक बनाना, इसलिए विद्यार्थी परिषद फीस वृद्धि के खिलाफ था। हमने सारे फीस वापस करने का आंदोलन लड़ा है। अभी वहाँ का छात्र पढ़ना चाहता है, एग्जाम देना चाहता है, रजिस्ट्रेशन कराना चाहता है, लेकिन लेफ्ट के लोगों को संघर्ष से ही उनकी राजनीति चलती है, इसलिए वो जबरदस्ती उस मुद्दे को अभी भी बनाए रखना चाहते हैं। सवाल सर और लेंगे आपसे, जो ABBP है वो शुरू से ही कहा था कि RSS का एक विंग है, RSS के साथ उनके नक्शे कदम पर चलता है और देश में अलग अलग हिस्सों में काम करता है, लेकिन आज ऐसा लगता है कि ये BJP की तरफ आकर्षित हो चुका है, जिससे ABBP को थोड़ा नुकसान भी ऐसा लग रहा है कि हो रहा है, इस पर क्या पक्ष रखेंगे, चूँकि आप काफ़ी करीब से देख रहे हैं इन चीज़ों को? देखिए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 9 जुलाई 1949 को देश के रजिस्ट्रेशन का जो नियम है उसके तहत रजिस्टर्ड एकमात्र स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने जिसका अपना संविधान है, जिसका अपना रजिस्ट्रेशन नंबर है। हमारा संबंध राष्ट्र से है, नेशन फर्स्ट की हम बात करते हैं, और इसलिए प्रारंभ में हमने कहा था कि सत्ता नहीं समाज बदलेंगे, इसलिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सत्ता में लाना या सत्ता से बाहर करना ये विद्यार्थी परिषद का विषय नहीं है। हाँ, निश्चित तौर पर ABP में काम करने वाले बहुत सारे कार्यकर्ता जो जिनको राजनीतिक क्षेत्र में जाना है वो अलग अलग राजनीतिक पार्टियों में जाते हैं, वहाँ काम करते हैं, इसलिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इस देश के विचार के साथ काम कर रहा है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का पार्ट एंड पार्सल हम ना पहले थे ना कभी बनेंगे, ये विद्यार्थी
विद्यार्थी परिषद की ताकत है कि हमने भारतीय जनता पार्टी को बहुत सारे नेता दिए जरूर है, लेकिन हम किसी सत्ता से नहीं चलते। आज आपके झारखंड प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता नहीं है तो भी विद्यार्थी परिषद मजबूती के साथ छात्र हितों की, शिक्षा की, महिलाओं की, जनजाति समाज के मुद्दों को उसी संजीव के साथ साथ उठाएगा और ताकत के साथ उठाएगा। सत्ता रहती है तो भी हम भारतीय जनता पार्टी की सत्ता पर भी अंकुश लगाने का काम छात्र हितों में, समाज हित में करते हैं। इसलिए हम अबो पार्टी पॉलिटिक्स है लेकिन देश के मुद्दों पर राजनीति करते हैं। इसलिए विद्यार्थी परिषद की प्रेरणा भारत है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान है, उसी से प्रेरणा लेकर हम लोग काम कर रहे हैं। विजय श्रीनिवास जी, इनका साफ तौर पर कहना है कि एबीवीपी सत्ता के लिए नहीं बल्कि समाज के लिए काम करते हैं। ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद कुछ और गणमान्य के पास चलेंगे, उनसे भी जानेंगे कि उनका क्या विचार है। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। एबीवीपी का प्रांतीय सम्मेलन डाल्टनगंज में चल रहा है, इस वक्त हम शिवाजी मैदान में हैं और यहाँ कुछ छात्र भी हैं जिनसे हम सीधा बात करते हैं कि आखिर अभी जो छात्र के साथ जो हो रहा है, चाहे वो JNU की बात करें चाहे अन्य यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, एक मुद्दा हम आपसे सीधा पूछते हैं कि JNU में जो फीस बढ़ोतरी को लेकर जो हो हंगामा हो रहा है उसको किस तरह से एबीवीपी देखता है, आप किस तरह से देखते हैं एक स्टूडेंट्स राजनीति के, जो छात्र राजनीति के? देखिए, JNU में जो घटनाक्रम अभी के वक्त हो रही है वो फी बढ़ोतरी का नहीं है, ये बात है विचार का। जो JNU में काम करने वाले संगठन हैं वो किस विचार से काम कर रहे हैं, वो देश को तोड़ने का विचार से काम कर रहे हैं। वो नारे लगाते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, ये उनका विचार है। देश में वो आग लगाना चाहते हैं और परिषद का काम करती है विद्यार्थियों को जोड़ने का, देश को एक सूत्र में बांधने का कार्य कर रही है। तो वो फी बढ़ोतरी का नहीं है, वो तो मामला ही दूसरा है। तो फी बढ़ोतरी के साथ आप लोग हैं या फिर उसके विरोध में हैं? एबीवीपी अपना पक्ष क्या रखते हैं? देखिए, वहाँ के वस्तुस्थिति में बहुत ज़्यादा फी बढ़ोतरी होना चाहिए नहीं वाकिफ हूँ, लेकिन अगर शिक्षा के गुणवत्ता में सुधार हो रहा है तो निश्चित रूप से फी बढ़ोतरी होना चाहिए, लेकिन उसका भी एक लेबल होना चाहिए जो छात्र अच्छे स्थिति में दे सके उसको फी को आराम से। बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं होना चाहिए, फीस बढ़ोतरी का विरोध है। रोहित जी, आपसे भी जानना चाहेंगे कि क्या मानते हैं जो छात्र जीवन से लेकर यहीं से एक राजनीति की शुरुआत होती है, बाद में कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने छात्र राजनीति की शुरुआत की और आज बड़े पदों पर हैं, कितना अहम योगदान होता है छात्र राजनीति का और ऐसे जो प्रांतीय सम्मेलन होते हैं उनसे क्या बूस्टअप होते हैं लोग? निश्चित रूप से छात्र राजनीति एक लोकतंत्र का बहुत महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है, जहाँ से आप छात्रों के साथ उनकी समस्याओं को चिन्हित करके समाधान तक हम लेके जाते हैं और धीरे धीरे हम सामाजिक गतिविधियों में भी अब आगे बढ़ने का एक सामूहिक प्रयास रहता है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का आज ये 20वां प्रांतीय अधिवेशन यहाँ चल रहा है। राज्य के सभी जिलों से, विश्वविद्यालयों से यहाँ छात्र प्रतिनिधि पहुँचे हुए हैं। कई विषयों पर अभी चर्चा चल रही है, हम लोगों का 2 विषय पर प्रस्ताव भी पारित होने वाला है। अभी आप माननीय श्रीनिवास जी ने आपको बताया JNU विषय पर भी कि विद्यार्थी परिषद का कंसेप्ट क्लियर है, छात्र संगठन है तो हम छात्र हित की ही बात करेंगे। और विद्यार्थी परिषद ने बहुत संवेदन, छात्रों के साथ संवेदना व्यक्त करते हुए JNU विषय पे काम कर रही है। कुछ विषय ऐसे हैं जहां पर छात्र को गुमराह किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि लेफ्ट विंग के जो छात्र हैं वे छात्रों को भड़काने का, गुमराह करने का, कमरे बंद कर देने का, शिक्षकों को कमरे में 30-30 घंटे बंद करने का, ये सही नहीं है। आप छात्र संगठन है, छात्रों की बात रखिए, उनके समस्याओं पर बात कीजिए, समाधान की बात कीजिए, मगर हिंसक आंदोलन का छात्र राजनीति में, लोकतंत्र में कहीं भी कोई स्थान नहीं है। बिल्कुल, हिंसक जो चीज़ों का कोई छात्र राजनीति में स्थान नहीं है। रोशन जी, कल मैं आपको सुन रहा था, बड़े अच्छे मंतव्य आप रख रहे थे, क्या मानते हैं जो JNU का भी इस वक्त जो माहौल है, फीस बढ़ोतरी से शुरू हुआ ये मुद्दा 60 दिनों से लगातार चल रहा है, किस तरह से देखते हैं कि छात्र नेता के रूप में, एक छात्र के रूप में जो चीज़ें हो रही हैं उससे क्या पक्ष रखते हैं, सही हो रहा है, गलत हो रहा है? देखिए, वास्तव में JNU के अंदर में जिस प्रकार से घटना घटी है, आप इसको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से बहुत कुछ आप लोगों के सामने में दिखता है। यह फीस वृद्धि का मुद्दा है ही नहीं। वास्तव में अगर फीस वृद्धि का मुद्दा था तो उसको लेकर विद्यार्थी परिषद ने पूर्व में ही आंदोलन कर चुका था और उस समस्या का समाधान विद्यार्थी परिषद और बाकी जो भी छात्र संगठन कर रहे थे। तो फीस वृद्धि का मुद्दा होने का कारण क्या, हम उस विश्वविद्यालय में पढ़ने के साथ साथ हमारा यह नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि उस विश्वविद्यालय में पढ़ने के बाद हम वहाँ की संपत्ति को नुकसान करना या फीस वृद्धि का मुद्दा नहीं हो सकता है। हम हिंसा करके उस विश्वविद्यालय को अस्त व्यस्त करने से हम सड़क पर उतरकर
ट्रक जलाने से, गाड़ी का शीशा तोड़ने से फीस वृद्धि का समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। हम छात्र स्टूडेंट हैं, हम आने वाले देश का भविष्य हैं और हमारा हिंसा का लगाव कहीं से नहीं रहना चाहिए। यह देश को तोड़ने का, आज मैं यह दावे के साथ कह सकता हूँ कि देश के अंदर में इन रेड कॉरिडोर बनाने वाले और इन कम्युनिस्टों का कोई जगह बचा नहीं है इस देश के अंदर में। जिस प्रकार से आप एक झारखंड प्रदेश से भी आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से नक्सली अंतिम चरण पर है, अब ये लोग विश्वविद्यालय में सीधे सीधे, आप मीडिया के माध्यम से भी पूछना चाहता हूँ, क्या देश के अंदर में क्या कि 3-4 विश्वविद्यालय ही हैं जहाँ पर हिंसा हो रही है? इस देश के अंदर में तकरीबन 2000 विश्वविद्यालय है। हर एक विश्वविद्यालय का नौजवान भारत माता की जय वंदे मातरम करता है। वह फीस वृद्धि का हमारा आंदोलन किस प्रकार से हो या उन लोगों को विद्यार्थी परिषद से सीखने की आवश्यकता है। हम JNU के अंदर में जिस प्रकार से उन लोगों ने लाठी डंडे से लैस होकर विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के ऊपर हमला करता है, वह नेट चलने वाले रूम में लाइब्रेरी का तोड़फोड़ करता है, यह कहीं से उचित नहीं है। और यह निश्चित रूप से इन कम्युनिस्टों का चरित्र पूरे देश भर में दिख चुका है और आज देश का नौजवान ही नहीं बल्कि देश का जनता आज उन लोगों को कड़ा जवाब देने के लिए पूरी सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन कर रहा है। और वास्तव में आज विद्यार्थी परिषद का काम, जो लोग देख रहे थे कि विद्यार्थी परिषद, हम लोग कभी नारा में कहते थे कि आज विद्यार्थी परिषद ने एक वट वृक्ष का रूप ले चुका है, आज वास्तव में आप पूरे टीवी के माध्यम से देख सकते हैं कि पूरे देश भर में आज हर एक व्यक्ति के मुंह पर और खास करके देश के गद्दारों के मुंह पर केवल ABVP ही दिखता है। और यह हम सब सौभाग्यशाली हैं कि विद्यार्थी परिषद ने आज एक पूरे देश भर में नौजवानों के अंदर में अपने देश के प्रति सम्मान, अपने विश्वविद्यालय में हमारी शिक्षा की लड़ाई कैसा हो, यह प्लेटफॉर्म देने का काम विद्यार्थी परिषद कर रही है। एक सवाल और आपसे रोशन जी लेना चाहेंगे, RSS का विंग माना जाता था, ABVP RSS के आइडियोलॉजी के साथ आप चलते थे, लेकिन आज ऐसा दिखता है कि आइडियोलॉजी थोड़ी सी बदली है और वो BJP की तरफ चल पड़े हैं, तो इससे ABVP को नुकसान है या फायदा नज़र आ रहा है? देखिए, हम पहले भी बोलते थे कि हम संघ के अनुसांगिक इकाई है और आज भी मैं कहता हूँ कि संघ का अनुसांगिक इकाई हूँ और निश्चित रूप से राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के ही विचार पर चलने वाला यह छात्र संगठन है। जिस प्रकार से राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ समाज के अंदर में जाकर लोगों को जागृत करके देश के प्रति उनका क्या योगदान हो सकता है, उसी प्रकार से विद्यार्थी परिषद ने कॉलेज कैंपस में पढ़ने वाले एक एक छात्र का इस देश के प्रति उसका क्या सम्मान हो सकता है या देश का समस्या का समाधान में उसका क्या योगदान हो सकता है, यह विद्यार्थी परिषद आज कार्य कर रही है। और निश्चित रूप से हम दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस देश के लिए काम करते हैं। और रही बात विद्यार्थी परिषद को अगर कोई राजनीति से जोड़ता है, तो यह विद्यार्थी परिषद एक ऐसा प्लेटफार्म है जिस प्लेटफार्म से आज वास्तव में पूरे देश में, हम केवल राजनीतिक क्षेत्र में नहीं, इस देश के जो अभी उपराष्ट्रपति माननीय वेंकैया नायडू जी हैं, आप उनकी भी इतिहास को देख सकते हैं। और अगर आज हम आपको दावे के साथ कह सकता हूं, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जी ने कहा कि एक आज का गृह मंत्री जो कल तक गुजरात के कॉलेज कैंपस में पढ़ने वाला नौजवान, विद्यार्थी परिषद के बैनर तले काम करने वाला नौजवान, और आज जब वह गृह मंत्री बनकर आता है तो 370 जैसे धारा समाप्त होता है, यह हमारी जीत है। और मैं आज भी आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि मैं किसी राजनीतिक संगठन से ताल्लुक नहीं रखता हूं, मैंने समाज में व्यक्ति निर्माण करके इस राष्ट्र के प्रति काम करने वाले ऐसे कार्यकर्ताओं की फौज खड़ा करने वाला छात्र संगठन विद्यार्थी परिषद है और आज भी मैं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की प्रेरणा से चलने वाला छात्र संगठन हूँ। RSS से आइडियोलॉजी बदली नहीं है BJP की तरफ से, लेकिन यहीं से जो नेता जो निकलते हैं वो फिर BJP में जाते हैं, तो कह सकते हैं कि एक सीढ़ी बनी हुई है, सबसे पहले RSS गए, फिर ABVP गए, फिर उसके बाद BJP गए और एक बड़े राजनीतिक के रूप में, राजनेता के रूप में उभर के सामने है। देखिए, विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता जब विद्यार्थी परिषद में काम करता है तो यह निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि मैं किसी राजनीतिक पार्टी का यंग नहीं हूँ, मगर हमारा इस फैक्ट्री में ऐसे ऐसे राष्ट्रभक्त निर्माण हो रहे हैं और अगर वो आज देश का नेतृत्व करता है तो मैं अपने आप में गर्व महसूस करता हूँ कि विद्यार्थी परिषद ने इस देश के अंदर में ऐसे नौजवानों की फौज खड़ा किया जिससे आज पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व की नज़र इस छात्र संगठन पर टिकी है। और वास्तव में मैं आज भी आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि मैं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की प्रेरणा से लेकर काम करने वाला यह छात्र संगठन है, मगर हमारी इस फैक्ट्री से निकलने वाला देशभक्त राष्ट्रवादी छात्र संगठन वो किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाकर काम कर सकता है, केवल राजनीतिक क्षेत्र पर मत देखिए, चाहे वो प्रशासनिक के क्षेत्र में हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो रोजगार देने के क्षेत्र में हो, आज विद्यार्थी परिषद का एक एक नौजवान इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए अनेक ऐसे कार्यकर्ता खड़ा कर दिया है जिसको पूरे देश के नौजवान, देश के युवा, देश के साथी उसकी ओर आशा भरी नजरों से देख रहा है। तो विद्यार्थी परिषद ने कई ऐसे लोगों को जो दिया है जो कि ना सिर्फ राजनीति में बल्कि कह सकते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में भी काम करे। ब्रेक ले रुकते हैं, ब्रेक के बाद कुछ और लोगों से यहाँ की राय जानेंगे। आपका फिर से स्वागत है। इस वक्त 20वें प्रांतीय अधिवेशन में है, ABVP का चल रहा है शिवाजी मैदान में, और हमारे साथ कुछ और छात्र नेता, उनसे भी जानते हैं क्या मानते हैं जो इस तरह के जो प्रांतीय सम्मेलन होते हैं
उससे छात्रों की जो जिंदगी है, जो उनके जीवन, उसमें कितना बदलाव आता है? विद्यार्थी परिषद विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है और साल में हमने जो काम किया है उसका एक मंथन है कि हमने साल में क्या काम किया है और आगे हमको क्या काम करना है, इस विषय पर एक मंथन है पूरे झारखंड प्रांत का और हम यहाँ से निर्णय लेकर पूरे साल भर में अपने काम को आगे बढ़ाते हैं। कई बड़े नेताओं के आपने यहाँ पर कह सकते हैं कि मंतव्य को सुना, चाहे वो के रघुनंदन जी हो, श्रीनिवास जी हो, निधि त्रिपाठी भी कल आई थी, महामहिम राज्यपाल भी आई थी, सभी लोग छात्र जीवन से जो कह सकते हैं किस मुकाम पर पहुँचे हैं, राज्यपाल भी खुद एबीवीपी के सदस्य रही हुई और उसके बाद आज महामहिम है, तो क्या मानते हैं, क्या मंतव्य निकल कर आया और उसमें कितना ऊर्जा, कितना जोश लोगों में भरा? विद्यार्थी परिषद हमेशा राष्ट्र निर्माण का काम किया है और लोगों के बीच में राष्ट्रभक्ति का बात, आज समाज में समाज दो गुट में बटा हुआ है, एक टुकड़े टुकड़े गंग और एक राष्ट्रवादी, और विद्यार्थी परिषद राष्ट्र के बात करने वाले लोगों के साथ खड़ा है और आप विद्यार्थी परिषद लोगों के बीच में संदेश दे रहा है कि टुकड़े टुकड़े गंग को हम भारत में रहने नहीं देंगे। और जितने भी लोग का अभिवादन आपने सुना और जितने लोगों का हमने मंतव्य सुना, उसके बाद विद्यार्थी परिषद के जितने भी लोग हैं उन्होंने बताया कि राष्ट्र सर्वोपरि है और नेशन फर्स्ट का भाव लेकर हमने समाज में लोगों के बीच में जाना है और बताना है कि देश से बड़ा कुछ नहीं है और देश है तब हम हैं। जेएनयू में जो विवाद फैला उस पर क्या रखते हैं ताल्लुक, क्या सोचते हैं, वो सही हो रहा है या गलत हो रहा है? जेएनयू में विवाद कोई विवाद नहीं है, वो लोगों को गुमराह कर देश के विरुद्ध में लोगों को खड़ा करने का काम किया गया है और जेएनयू के लोग कभी भी देशभक्त नहीं हो सके, जिन्होंने अफजल हम शर्मिंदा हैं तेरे कातिल जिंदा हैं कि बात बोलने वाले लोग कभी देशभक्त नहीं हो सकते हैं। और आज लोग केवल सिर्फ समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं और ऐसे देशद्रोहियों को विद्यार्थी परिषद नकपास लोगों को हमेशा देश से बाहर निकालने का काम करेगी। मतलब सीधा मतलब ये हुआ कि एबीवीपी राष्ट्रवादी पार्टी है, बाकी सभी राष्ट्रद्रोही पार्टी हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, हैं पर उनका विचारधारा अलग अलग है। कुछ लोग तो छात्र संगठन के माध्यम से राजनीति भी करने लगते हैं, पर जहां तक की बात है हमारा जो संगठन एबीवीपी है ये बिल्कुल निश्चित रूप से निस्वार्थ रूप से छात्र के प्रति सारे मतलब छात्र को आगे भी बढ़ाने का काम करती है और साथ ही साथ सारे छात्रों को हमारे देश में जितने भी क्षेत्र हैं हर क्षेत्र में कार्य करने के लिए दक्षता प्रदान करती है। पर बाकी जहां तक की बात है वे तुच्छ राजनीति करने में हो जाते हैं छात्र संगठन, पर हमारे यहां ऐसा नहीं है। छात्र संगठन जितने भी हों उनकी शुरुआती राजनीति से होती है, आप पहले कॉलेजों में चुनाव लड़ते हैं, विश्वविद्यालयों में चुनाव लड़ते हैं, उसके बाद फिर आगे प्रमोशन होते जाते हैं, किसी पार्टियों में जाते हैं, तो राजनीति तो यहीं से शुरू होती है। हाँ, आपका भी कहना सही है, पर राजनीति भी कई तरह के है ना, जैसे कोई लोग अपने निजी हित के लिए राजनीति करते हैं, पर जहाँ तक की बात है हमारा जो संगठन है ये देश हित का हमेशा से बात करता है। बचपन से ही, जैसा कि आपने भी बोला कि आप स्कूल कॉलेज कैंपस से ही चुनाव लड़ने लगते हैं, तो कैंपस से ही छात्रों के अंतर्गत या अंदर में कहें तो देश हित के प्रति भावनाएं भरी जाती है, उनको राष्ट्र के प्रतिनिधित्व प्रदान की जाती है और यही प्लेटफॉर्म देती है हमारे एबीवीपी। अब लगातार जो कल से अधिवेशन हो रहा है उस अधिवेशन में है क्या अहम चीज़ें यहाँ से निकलकर सुनने को मिला जिससे प्रेरणा मिली, जो लोगों के बीच में आप जाकर उस चीज़ को रखेंगे? ये हमारे पहली चीज़, जो राजनीतिक पार्टी अपने निजी स्वास्थ्य के लिए जो काम करते हैं इनको नहीं चलना, वो किसी भी पार्टी को हो, हम अगर बीजेपी हो कांग्रेस हो, देखिए देश चलाने के लिए समक्ष और विपक्ष दो पार्टी होती है, लेकिन विपक्ष को भी ये सोचना चाहिए कि हमको अपने विपक्ष में बैठते हुए भी अपने देश की भलाई में सोचना चाहिए। ये नहीं है कि हम अपने देश की भलाई करने के लिए कर रहे हैं, जैसा सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, मोदी जी ने सभी मंत्रियों का लोगों को बोला था कि आप आइए मीटिंग में, सब ने सहयोग करने की बात कहा, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले की बात है कि कांग्रेस पार्टी के जो केंद्रीय मंत्री जो हैं वो पाकिस्तान जाने था, जब हम जा रहे हैं कि हमारे देश में इस तरह की स्थिति हो रही है, हमारी अखंडता को बनाए रखना है। एबीवीपी कार्यकर्ता हैं, संगठन जो है वो इस चीज़ नहीं देखती है, पहले राष्ट्र अगर हमारा सुरक्षित रहेगा तो हमारे देश के प्रत्येक व्यक्ति सुरक्षित रहेगा। थैंक यू। राष्ट्र सुरक्षित रहेगा तो प्रत्येक व्यक्ति सुरक्षित रहेगा। क्या मानते हैं, जो दो दिनों से सम्मेलन आप लोगों का चल रहा है कल से लेकर आज तक, क्या चीज़ें यहाँ से प्रेरणा, कुछ ऐसी चीज़ें निकल कर आई, कई बड़े नेता यहाँ पर बोले, क्या बड़ी चीज़ें निकल कर आई जिसे आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे?
जो सबसे बड़ी बात होती है, एक जो छात्र है वो अगर शुरू से अगर उसको एक माहौल दिया जाए कि आपको राष्ट्रहित, अगर बच्चा जन्म लेता है तो उसको देश के बारे में जानकारी नहीं होती, हमको किस तरह से रहना है, समाज में किस तरह से काम करना है, ये सब पता नहीं होता है। ये सब हम अपने माता पिता से जानते हैं। और अगर हम संगठन के, अगर जैसे हमारे यहाँ AVP है तो ये समाज हित में, राष्ट्रहित में काम करती है, तो यहाँ ये चीज़ बताया जाता है कि हम अगर कॉलेज कैंपस में हैं तो कॉलेज कैंपस में हमको किस तरह से छात्रों के हित में काम करना है, समाज में हमको समाज हित में किस प्रकार के बीच, लोगों के बीच में रह करके काम करना है, यही सब चीज़ यहाँ पर बताया जाता है। तो कई अहम चीज़ों पर AVPP के प्रांतीय सम्मेलन में मुद्दा जो है वो चर्चा हुई। और जो श्रीनिवास जैतून, उन्होंने भी बड़ी एक बात कही कि जो चीज़ें थी JNU में, जो विवाद फैला है उस पर भी उन्होंने अपना राय रखा। फिलहाल हम इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे किसी दूसरे पड़ाव पर।